So good morning, all of you. I welcome all the parents on today assembly, and I can see the parents are very excited and very happy after seeing the performance of the children. So I would like every parent should give a big hand for your children. They really performed very well. So have you seen, this is the third year in this school. It might be the third performance of the children. And you can just imagine when they will be in 12th, how much confident and how much in good performance they are going to give you. अभी आपने देखा भी तो उनको तीसरी performance है और कितने confident हैं और कितने अच्छे से manage कर रहे हैं. कहीं कोई कमी होती है तो आपस में coordination बहुत अच्छा है. आपस में एक दूसरे को guide कर रहे हैं और बहुत अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि हम लोग बच्चों को यहाँ पर independent बनाते हैं. We train them. हम लोग बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे मैनेज करना है हर चीज़ को. और ये तीन चीज़ें आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज आपने बचपन में और अभी बच्चे सीखते हैं ए बी सी सीखते हैं आप लोग. ए से होता है एप्पल, आप सीखते हैं बी से बैट, सी से कैट. तो आपको ये तीन चीज़ें भूल के नाउ यू हैव टू रीलर्न, और आपको खुद भी ए बी सी दोबारा से सीखनी होगी और बच्चों को भी सिखानी होगी. जैसे कि ए से एप्पल के बदले आपको सीखना होगा ए फॉर एक्शन. एक्शन मीन्स दैट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि यू आर द रोल मॉडल. अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने काम की, बच्चों के ध्यान रखने की और घर की, तो बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं. क्योंकि आप बच्चों को बार बार बोलते हैं पढ़ाई कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ देखते हैं. और बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं. चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, चिल्ड्रन डू व्हाट यू डू. आप उनके रोल मॉडल हैं. अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आप पे वर्क करना होगा. तो आप अगर जो भी चीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले आप खुद करिए, आप देखेंगे बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप करने लग जाएगा. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न इज बाय रीलर्निंग, ए फॉर एक्शन. और बी से बैट के बदले आपको लर्न करना है बी से बैलेंस. आपको अपनी लाइफ के हर चीज को बैलेंस करना है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपका फाइनेंशियल हो या सोशल लाइफ हो. आपको अपने हर चीज को बैलेंस करना है. अगर आप बैलेंस कर पाएंगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के अपनी लाइफ में बैलेंस करेंगे. वो भी पढ़ाई करेंगे, वो भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज करेंगे, वो भी सोशल होंगे, वो भी अपने की ग्रो अपनी ग्रोथ करेंगे और हर चीज़ का ध्यान रखेंगे. तो आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बैलेंस योर ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. और सी से है कॉन्सिक्वेंसेस. आपको हर चीज का कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए, और आपको कॉन्सिक्वेंस आपके अपने एक रूल बुक रूल होते हैं कॉन्सिक्वेंस के. अगर ऐसा होगा, ऐसा आप करोगे तो ऐसा होगा. सपोज मान लो अगर आप बच्चों को अगर आप क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे की केयर नहीं करते हैं, तो बच्चा उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बच्चा गलत रास्ते पर चला जाएगा. अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो बच्चा गलत जगह टाइम स्पेंड करेगा. अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, तो बच्चा वीडियो गेम खेलेगा या कुछ गलत काम करेगा. तो आपको हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस पता होना चाहिए, और उस कॉन्सिक्वेंस को अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी कर पाएंगे और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे. और बच्चे भी और बच्चे जब अगर आपको कुछ करते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते तो आप उनसे पूछिए कि अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि आपकी अच्छी लाइफ नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, आप क्लास में थोड़ा अच्छा फील नहीं करेंगे और आगे आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा. तो उसको कॉन्सिक्वेंस मालूम है. अब बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसको बताएंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन अगर आप बताइए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करें आपके साथ. तो बच्चा बोलेगा ठीक है, मैं एक हफ्ते के लिए टीवी नहीं देखूंगा. अगर मैं रोज़ के 2 घंटे नहीं पढ़ा या 4 घंटे नहीं पढ़ा, अगर मैंने जो आप कह रहे वो नहीं किया, तो मैं उसके बदले आप एक हफ्ते के लिए टीवी नहीं देखूंगा. या
जो भी आप कुछ उसको फैसिलिटीज दे रखी हैं, वो बच्चा अपना कहेगा मुझसे वो विड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन कॉन्सिक्वेंस तभी वर्क करता है जब आप बच्चों से कॉन्सिक्वेंस लेते हैं. आप नहीं बोलेंगे कि अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो मैं आपका टीवी बंद कर दूंगा, या टीवी लॉक कर दूंगा, या मैं आपको बाहर नहीं घुमाने लेके जाऊंगा एक हफ्ते के लिए, या कुछ भी जो भी आप करते हैं वो नहीं करूंगा. उसके लिए बच्चा खुद बोले कि मैं अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरा टीवी ऑफ कर दीजिए, या मुझे आप बाहर मूवी ना लेके जाइए, ना मुझे आप मॉल पे ना लेके, मुझे खाने पे ना लेके जाइए, जो भी आप लोग करते हैं. तो बच्चा जब तक खुद नहीं बोलेगा वो कॉन्सिक्वेंस वर्क नहीं करता. तो ट्राई टू गेट द कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम योर चिल्ड्रन ओनली, देन ओनली इट विल वर्क. तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है. ए से एक्शन, बी से बैलेंस, एंड सी से कॉन्सिक्वेंस. अगर ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे. So with this, I thanks all of you, and I'm sure that you will follow what I have told you. Thank you very much.